देश में सीएए लागू करने को लेकर के केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसके बाद से लगातार देश भर में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया जाता है, ये उम्मीद करते हुए पहले ही कि भावनाएं भड़केंगी। न सिर्फ भावनाएं भड़केंगी, सांप्रदायिक माहौल बनेगा, तनाव बढ़ेगा, देश भर में अलग अलग जगहों पर इसे लेकर हिंसा होगी। और असम केरल से आई तस्वीरें हमने देखी भी कि किस तरीके से इन जगहों पर हिंसा हुई। हालांकि इसे लेकर जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा ने ये बात कहा कि अगर कोई भी गलत तरीके से सीएए के तहत नागरिकता लेता है या फिर उसे मिलती है तो फिर मैं सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद ये बात तय हो गई कि किस तरीके से किसी भी चीज को थोपने की कोशिश ये सरकार जनता पर करती है। हालांकि इसे असंवैधानिक प्रथम दृष्टया बताया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी। हालांकि इसे लेकर याचिका जो दायर की गई है उसमें भी इसे प्रथम दृष्टया असंवैधानिक बताया गया है। अगर कोई चीज इतनी सही है, इतनी परफेक्ट है और इतनी जरूरी है तो फिर क्यों प्रथम दृष्टया इसे असंवैधानिक रूप से देखा जा रहा है, सवाल ये खड़े होते हैं। लिव लॉ ने इसे लेकर याचिका के दौरान क्या सब बातचीत हुई है, क्या सारी बातें, क्या सारे तर्क रखे गए हैं, वो सारी बातें बताई है हम आपको, एक एक करके हर एक स्टेप पर हुई बातचीत को समझाएंगे, बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से सरकार ये प्रयास करने का कोशिश कर रही है कि देश उनके हिसाब से चले, अब संविधान के हिसाब से नहीं, क्योंकि 400 पार तो चाहिए ना अब संविधान के लिए, संविधान बदलने के लिए, सॉरी। तो संविधान बदलना है तो उसके लिए 400 पार होना जरूरी है, और 400 पार होने के लिए क्या चाहिए, किसी भी हालत में हमें ईवीएम हैक करके हो या जनता को बेवकूफ बना के हमें वोट चाहिए। लिव लॉ की जरा खबर देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा गया है प्रथम दृष्टया असंवैधानिक नागरिकता संशोधन नियम 2024 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम लीग, प्रथम दृष्टया इसे असंवैधानिक करार करते हुए क्या सब टिप्पणियां की है उन्होंने, जरा इस पे भी नजर डालिए कि क्यों आखिर ये प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है। आखिर जब हर धर्म को किया गया है उसमें इन्वॉल्व, तो फिर मुस्लिम धर्म को क्यों अलग रखा गया है, क्यों गैर मुस्लिमों के लिए है ये, क्या जनता देश में मुस्लिम नहीं रहते हैं, क्या इस्लाम के से जुड़े लोग हमारे यहाँ नहीं रहते हैं, क्या हमारा देश एक सेकुलर देश नहीं है, ये सारे सवाल खड़े होते हैं जब इसमें एक शब्द ऐड कर दिया जाता है गैर मुसलमानों के लिए है ये। पूरी बातचीत में क्या है जरा नजर डालिए खबर पे। केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया। राजनीतिक दल IUML सीएए को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिट याचिकाओं में प्रमुख याचिकाकर्ता है। IUML ने सीएए के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए लंबित रिट याचिका में अंतरिम आवेदन दायर किया। ये तर्क दिया गया कि किसी कानून की असंवैधानिकता की धारणा को सामान्य नियम तक लागू नहीं होगा, ये जब कानून स्पष्ट रूप से मनमाना हो। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि अधिनियम के नागरिकता को धर्म से जोड़ा है और केवल धर्म के आधार पर वर्गीकरण पेश किया है, यह प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि सीएए 4.5 साल तक यानी 4.5 साल तक लागू नहीं हुआ था, इसलिए अगर इसके कार्यान्वयन को अदालत के अंतरिम फैसले तक टाल दिया जाता है तो कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। इसके विपरीत यदि सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अंततः अदालत द्वारा कानून को असंवैधानिक पाए जाने पर उनकी नागरिकता छीन ली जाती है तो यह विसंगति पूर्ण स्थिति पैदा करेगा। और यह विसंगति पूर्ण स्थिति पैदा करेगा क्योंकि मान लीजिए कि आपने 5 से 6 धर्मों को उसमें इन्वॉल्व किया है, लेकिन उसमें आपने कहीं भी इस्लामिक धर्म को नहीं इन्वॉल्व किया, मुस्लिम को नहीं किया है इन्वॉल्व ऐड, जबकि वो भी तो उस सेकुलर हिस्से का सेकुलर पार्ट का हिस्सा है, तो फिर आखिर क्यों उन्हें नहीं किया गया। तो क्या आप इसे धार्मिक तौर पर धर्म के अनुसार डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर आप धर्म के अनुसार इसे डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है ना।
क्योंकि आप एक हमारे संविधान के अनुसार तो इसको बना ही नहीं रहे। राइट टू रिलीजन जो हमें मिला हुआ है, तो क्या अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और आप एक ही धर्म के लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। इसीलिए इसे प्रथम दृष्टया असंवैधानिक बताया गया है। हालांकि इसे लेकर देखिए आगे क्या स्पष्ट किया गया है। याचिका में कहा गया है कि चूंकि सीए धर्म के आधार पर भेदभाव करता है या धर्म निरपेक्षता की अवधारणा की जड़ पर हमला करता है जो संविधान की मूल संरचना है, इसलिए अधिनियम के कार्यान्वयन को देखने का तरीका यह होगा कि इसे धर्म तटस्थ बनाया जाए और सभी प्रवासियों को उसकी धार्मिक स्थिति की परवाह किए बिना नागरिकता प्रदान की जाए। आवेदन में आईयूएमएल ने संघ को यह निर्देश दिया कि आदेश की मांग की इस बीच रिट याचिकाकर्ता पर निर्णय लंबित होने तक किसी भी धर्म या संप्रदाय के सदस्यों को जिन्हें उनके धर्म के कारण बाहर रखा गया है सीएए के दायरे में नागरिकता अधिनियम 1955, पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशी अधिनियम 1946 के तहत कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसमें रिट याचिकाकर्ता पर फैसला आने तक नियमों के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लाभ से वंचित मुस्लिम समुदाय के लोगों को स्थायी रूप से अनुमति देने के आदेश देने की भी मांग की गई है। रिट याचिकाएं आखिरी बार 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी और अभी इस फैसले पर सुनवाई के दौरान ये सब कुछ फैसला आया है। हालांकि इसे लेकर याचिका में क्या सब कहा गया है आपने सुना, साफ तौर पर ये असंवैधानिक है कहीं ना कहीं। और जब देश में इस तरीके के हालात हों कि कभी ना कभी किसी मदरसे को गिराया जा रहा है, कभी किसी मस्जिद को गिरा दिया जाता है, ये जानने के बावजूद कि उसके पेपर, उसके कागजात, सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं, जब लोग ना हो तब मुस्लिम परिवारों को जाकर के उजाड़ दिया जाता है, ये सारी चीजें जब देश में इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा हो, उस वक्त ये सारे सवाल जायज भी हैं। उस वक्त इसे प्रथम दृष्टया अगर संवैधानिक देखा जा रहा है तो गलत नहीं है। सीएए लाकर आप नागरिकता अन्य धर्मों को दे दे रहे हैं, अन्य धर्मों के लोगों को, लेकिन क्या एनआरसी लाने के बाद उनकी नागरिकता नहीं जाएगी, इस बात का कोई गारंटी है? और एनआरसी नहीं आएगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साफ तौर पर अमित शाह जी ने कहा था कि आप क्रोनोलॉजी समझिए कि पहले सीए आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगा। अब हालांकि इसे लेकर क्या सब होगा, एनआरसी के कब आएगा, कब तक आएगा, तो वो भी 2024 से पहले ही आ जाएगा या फिर नहीं आएगा, ये सब आने वाले वक्त की बात है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि क्या ये आपको भी असंवैधानिक लगता है? इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि सीए हर एक जनता के लिए है, हर एक जनता के जीवन पर इसका असर पड़ेगा। सीए न सिर्फ उन लोगों को के जीवन पर असर डालेगा जिन्हें नागरिकता मिलने वाली है या फिर जिनके पास नागरिकता नहीं है, ये उन लोगों के जीवन पर भी असर डालेगा जो आम लोग जनजीवन फिलहाल जी रहे हैं, नॉर्मल जीवन नागरिक होने के स्वरूप में। ऐसे में इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।